नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज देखेंगे गांधी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय को। गांधी जी ने शिक्षा पाठ्यक्रम को जो है तीन भागों में बांटा। पहला उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा सहसंबंध का सिद्धांत और तीसरा लचीलेपन का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, गांधी जी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। बालक के जीवन में जो है यह शिक्षा उपयोग की दृष्टि से बिल्कुल ही निरर्थक था, बल्कि यह हानि भी पहुंचाने वाला था। उनका मानना था कि आदर्श नागरिक बनने की अपेक्षा उसे आदर्श नागरिकता के गुणों से दूर यह शिक्षा ले जा रही है। पारिवारिक वातावरण से भी यह शिक्षा दूर कर रही है। गांधी जी ऐसी शिक्षा पर बल दिया जो बालक के जीवन में उपयोगी हो। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने व्यवसाय और शारीरिक श्रम से संबंधित शिक्षा का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने बताया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को बालक के जीवन के उपयोगी किसी न किसी स्थानीय हस्तकला पर यह आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह क्रिया प्रधान अथवा हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर उन्होंने बल दिया था। सहसंबंध का सिद्धांत, गांधी जी ये मानते थे कि एक विषय का ज्ञान प्रदान करते समय अन्य प्रासंगिक विषयों की भी शिक्षा दिए जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, हस्तकला को पाठ्यक्रम का जो है केंद्र बनाया। गांधी जी लचीलेपन के सिद्धांत को देखते हुए पाठ्यक्रम में जो है बेसिक शिक्षा योजना में बालक के रुचि के अनुसार हस्तकला को चुनने की स्वतंत्रता दी। इसमें जो है हस्तकला में कताई, बुनाई, कृषि, बागवानी, कागज, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि का काम इसमें शामिल किया गया। भाषा के लिए जो है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा में जो है हिंदी और उर्दू को मिश्रित रूप लिया गया। इसके अलावा गणित, गणित में जो है अंक गणित, रेखा गणित, नाप जोख, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र को सम्मिलित पाठ्यक्रम बनाया गया। सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर तथा स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान जो कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान केवल था। इसके अलावा ललित कला, शरीर शिक्षा व्यायाम, शरीर शिक्षा में जो है व्यायाम, ड्रिल, खेलकूद को लिया गया। नैतिक और धार्मिक शिक्षा जो है प्रतिदिन प्रार्थना, उपदेश तथा समाज सेवा का कार्य नैतिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था। लचीलेपन शिक्षा में गांधी जी अनुशासन में जो है आत्मानुशासन पर बल दिया। शिक्षक को जो है बालक का पथ प्रदर्शक गांधी जी मानते थे। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी समझ सके। स्व अध्ययन पर जो है अधिक बल दिया गया। शिक्षक पर जो है छात्र का इतना विश्वास होना चाहिए कि वह स्वयं की जो भी बात हो वह शिक्षक को बता सके। वह चारित्रिक और नैतिक रूप से उच्च होना चाहिए और छात्र का जिज्ञासा शांत करने वाले होना चाहिए। गांधी जी बालक को जो है चारित्रिक विकास पर अधिक बल देते थे। वे बालक को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना चाहते थे। विद्यालय, गांधी जी विद्यालय को कार्यशाला का जो है स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। वे विद्यालय को समुदाय केंद्रित बनाना चाहते थे। गांधी जी विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर भी विचार किए। इसमें जो है स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा भी लिए उन्होंने। तो ये था गांधी जी द्वारा दिया गया शिक्षा का पाठ्यक्रम, विद्यालय, अनुशासन, छात्र और विभिन्न शिक्षा। धन्यवाद। और भी छात्रों को शेयर करें ताकि वे लाभ उठा सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि नया जो है टॉपिक आपको मिले